नमस्कार आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे पावन और पवित्र माना जाता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पढ़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है श्राद्ध पक्ष में पढ़ने की वजह से इस एकादशी का एक नाम श्राद्ध एकादशी भी है इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और गति की कामना से किया जाता है जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है पित्र पक्ष में पढ़ने के कारण इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं साथ ही उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है यही नहीं इंदिरा एकादशी का व्रत करने से स्वयं उस मनुष्य को भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं साथ ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है माना जाता है कि भगवान विष्णु ही जीवों को मुक्ति दिला सकते हैं पुरानों में बताया गया है जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और पितरों दोनों के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है साथ ही मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें फिर स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें अगर ऐसा ना कर सकते हो तो स्नान के समय सभी पवित्र नदियों के नामों का जाप करें ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें हो सके तो पीले पहने इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें फिर पूजा स्थल को साफ करें गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश और विष्णु जी की प्रतिमा को चौकी पर विराजित करें आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं, फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें फिर पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें उनकी पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें पहले शुद्ध जल का छीटा देते हुए स्नान करवाएं फिर कच्चे दूध दही शहद शक्कर घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से करवाएं, फिर पीला वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें फिर हल्दी केसर या पीले चंदन से तिलक करें केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं अपने भी लगाएं, पीले फूल या फूलों की माला अर्पित करें साथ में तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएं नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें उन्हें फलों पंचामृत का भोग लगाएं, उन्हें किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही लगाएं तुलसी दल डाल के जल पीने के लिए अर्पित करें दक्षिणा अर्पित करें धूप दीप अर्पित करें हाथ में तिल फूल लेके इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ें या सुने विष्णु चालीसा विष्णु स्तुति और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम या मंत्रों का जाप करने से अनेकों गुना फल मिलता है इसलिए अगर संभव हो तो उनका अधिक से अधिक नाम लें और मंत्रों का जाप करें फिर विष्णु जी की आरती करें पहले गणेश जी की आरती भी जरूर करें पूजा करने के बाद अगर आपके पितरों के श्राद्ध की तिथि हो तो भगवान के सामने ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए एकादशी के दिन ब्राह्मण को फलाहार खिलाएं और दक्षिणा दें भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आसन पर बैठकर 108 बार जाप करें और उनसे अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगें साथ ही पितरों के लिए भी माफ़ी मांगें पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें दिन में सोना नहीं है ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं ये व्रत आप जलिया या फलाहार रखें अन्न का सेवन नहीं करना है शाम को दीपक जला के भगवान को भोग लगाकर आरती करें और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए बार परिक्रमा करें फिर हाथ जोड़ के तुलसी माता से सुख समृद्धि की कामना करें रात को भगवान के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें पूरी रात ना कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक जरूर करें रात्रि में जमीन पर ही सोना चाहिए सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल भूल से कोई हो हो गई हो, तो उन्हें क्षमा करें अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें स्नान करके भगवान की पूजा करें पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा जरूर दें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें फिर खुद अन्न जल तुलसी के पत्ते डाल के ग्रहण करें सात्विक भोजन ही करना है अब बात करते हैं इस दिन क्या करें या क्या ना करें एकादशी पर चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए व्रत नहीं रखते तो भी नहीं सदाचार का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से पूजा पाठ करना चाहिए ताकि पितरों को मुक्ति मिल सके भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी जरूर करें जो लोग यह व्रत नहीं कर पा रहे हों उन्हें इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए इस दिन सात्विक भोजन करें और पर निंदा से बचना चाहिए शास्त्रों में बताया है कि जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है लहसुन प्याज बैंगन मांस मदिरा पान सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए दशमी, एकादशी द्वादशी के दिन कांसे के पात्र का इस्तेमाल ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए सुबह और शाम की पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहने एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर पूजा में उपयोग करें एकादशी वाले दिन सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए या फिर दशमी तिथि को अच्छे से घर साफ़ कर लें सभी प्रकार की पूजा सामग्री शुद्ध और साफ प्रयोग में लाएँ इस दिन बाल धोने नहीं कटवाने नहीं दाढ़ी नहीं बनानी और तेल नहीं लगाना जुआ नहीं खेलना झूठ नहीं बोलना पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातु नहीं करना नींबू जामुन आम के पत्तों से कंठ साफ करें पत्ते तोड़ने नहीं हैं जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें अगर ये ना कर सकें तो पानी से बार बार कुल्ले करें अब मैं आपको पितरों की मुक्ति और उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए उपाय और मंत्र बताती हूँ एकादशी के दिन उड़द की दाल उड़द के बड़े और पूरिया बनाए ध्यान रखें कि आपको इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है इसके बाद एक कंडा जलाकर उस पर एक पूरी रखकर उसमें उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दें इसके बाद अपने पास ही एक पात्र जल से भरा हुआ भी रखें यह सब करने के बाद भगवत गीता का पाठ करें पूरी भगवत गीता का पाठ ना कर सके तो पूर्वजों की मुक्ति के लिए सातवें अध्याय का पाठ जरूर करें किसी सार्वजनिक स्थान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनकी तरफ से एक पीपल का पौधा लगाएं इस दिन फलों का दान करें और गाय माता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए फल जरूर खिलाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने के बाद पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप 108 बार करें ओम पितृ देवताए नमः। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना चाहिए यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद